यहाँ पर सब माई इलेवन सर्कल वाले एप्लीकेशन में काफ़ी सारे लोगों को ऐसा दिक्कत आ रहा है, उनका टीम तो यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है लेकिन वो जैसे ही किसी कॉन्टेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं उनको यहाँ पर एक एरर देखने को मिल जाता है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन रिस्ट्रिक्टेड कुछ ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है, कुछ ऐसा एरर आपके एप्लीकेशन में शो हो रहा है तो किस तरीके से फिक्स किया जाएगा उसके बारे में पूरा डिटेल में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट से देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको अपने माई इलेवन सर्कल वाले एप्लीकेशन को ओपन करना। जैसे ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाता है सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर करना होगा क्या सारा वेरीफिकेशन आपने इस एप्लीकेशन का करा हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले आप वेरीफिकेशन कीजिए। यहाँ पर तीन लाइन्स पर आपको क्लिक करना होता है, नीचे आप आओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन, इसके अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ से अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर माई अकाउंट वाला ऑप्शन, इसमें जाने के बाद सारा आपके अकाउंट के बारे में यहाँ पर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखो जीमेल आईडी मैंने वेरीफाई करा हुआ है, अगर आपका जीमेल आईडी वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले जीमेल आईडी आप यहाँ पर वेरीफाई कर लो। जीमेल आईडी वेरीफाई हो गया, अब नीचे आपको क्लिक करना है अदर डिटेल पर, यहाँ पर क्लिक करो अदर डिटेल पर, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर। क्लिक हियर पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर भी कुछ वेरीफिकेशन आपको कंप्लीट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो केवाईसी वेरीफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरीफिकेशन, पैन वेरीफिकेशन, ये सब आपको कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये सब वेरीफिकेशन ना होने के कारण ही आपको ये दिक्कत देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ से सबसे पहले आप कर लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है उसी प्रॉब्लम का आपको स्क्रीनशॉट एक निकाल लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन को होम पेज पर आ जाना है। अब फिर से आपको यहाँ पर तीन लाइंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आ पाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, तो इसके अंदर दोस्तों आपको जाना है। यहाँ पर जाओगे तो इनका हेल्प सेंटर यहाँ पर ओपन हो जाता है, आपको सबसे नीचे आना होगा। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा रेज अ टिकट का, तो इसी रेज अ टिकट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ और इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपका जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर वेरीफाई जो हुआ है वो आपको दिख जाएगा, यूजर नेम यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा इशू कैटेगरी का, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो कई सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप माई अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो या फिर आप गेम प्ले इशू वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पर माई अकाउंट का कर दिया है। तो इस पर आपको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखो एक बॉक्स दिखेगा, अब इसी बॉक्स में आपको डिटेल बताना आपके साथ ऐसा दिक्कत आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कोशिश कर रहे हो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख दिया है, आप चाहो तो यही मैसेज वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद नीचे देखो ऐड फाइल वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ऐड फाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है वही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब ऐड कर देने के बाद नीचे को सबमिट पर क्लिक करना, जैसे ही आप सबमिट करते हो आपका जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर माई इलेवन सर्कल के पास सबमिट हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो जीमेल आईडी यहाँ पर डाला हुआ है आपके इसी जीमेल आईडी पे उनके कस्टमर केयर का यहाँ पर मैसेज आएगा, आपका ये दिक्कत सॉल्व हुआ है फिर नहीं हुआ, जो भी आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा था वो सही हुआ या फिर नहीं हुआ सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। अब इतना सब करने के बाद जस्ट आपको वेट करना है, एक दो दिन या फिर सात दिन के अंदर ही आपका ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगा, बस आपको वेट करना है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का जो भी तरीका था मैंने आपको बता दिया है, अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।